सेनगंज प्रखंड के बड़कम गांव में मुखिया सुमन देवी पति रविंद्र माझी के स्वजन से विशाल हेल्थ कैंप का आयोजन राजकीय मध्य विद्यालय से उत्क्रमित उच्च विद्यालय में किया गया, जिसमें दूर दराज से आए गरीब असहाय मरीजों का मुफ्त इलाज कर मुफ्त दवा का वितरण भी किया गया। इलाज कराने आए मरीजों ने मुखिया के इस कार्य को काफी सराहा। इलाज कराने आए इस शिविर में करीब 300 से ज्यादा मरीजों ने अपना इलाज कराया। इस शिविर में शहर के 10 विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल थे। हेल्थ कैंप जो है मुखिया जी के सौजन्य से जो लगा हुआ है, ये कि बहुत ही सराहनीय काम है। ये एक जनता सेवा भी है, जिससे कि बहुत ऐसे मरीज हैं जो नहीं जा पाते हैं, उनकी एक सेवा भावना से मुखिया जी एक अच्छी पहल किए हुए हैं। और इसमें मरीजों को जो है मुख्य सिवान से सारे डॉक्टर आए हुए हैं जो देख रहे हैं, दवा भी वितरण कर रहे हैं, मुख्य में शुगर वगैरह भी जाँच हो रही है। जरूरी है कि हम लोग हेल्थ चेकअप के साथ अवेयरनेस की जो कर रहे हैं वो बहुत जरूरी होता है किसी भी हेल्थ के लिए। तो जो भी डॉक्टर यहाँ 8-10 आए हुए हैं सिवान से, उन्होंने दवा जांच प्लस अवेयरनेस भी सबसे जरूरी, जो कि गांव देहात के लोग हेल्थ के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं होते हैं। बहुत सारा बीमारी होती है जो बहुत जटिल हो जाती है, तब सिवान जाते हैं। तो स्टार्टिंग में उसका इलाज अगर हो जाए, अवेयरनेस रहे तो ज़्यादा अच्छा है। और इस काम में सबसे बड़ी बात है कि मुखिया जी ने पहल किया है तो अच्छा काम है। इससे पहले सर कहाँ पे ये कैंप लगा हुआ था, जो कुछ पुराने मरीज यहाँ पे आए हुए हैं उसके बारे में बताएंगे? कैंप था जी, वहाँ के भी कुछ मरीज आए हुए हैं। उसके बाद गूगल सोशल वेलफेयर, दो तीन कैंप इसके पहले भी अरेंज हुआ है, वो भी अच्छा रहा। मतलब बच्चों के लिए आपकी तरफ से दवा में क्या, मेडिसिन में क्या उपलब्ध है यहाँ पे? अभी सीजनल बीमारी जब भी ठंडा या तो इन करता है या आउट होता है, तो ये सर्दी खांसी की जनरल बीमारियाँ होती हैं। तो जनरली कॉफ सिरप और मल्टी विटामिन और बुखार उखार की दवा का डिस्ट्रीब्यूशन। पहली बार एक कैंप लगा हुआ है इस पंचायत में जी। सबसे वो बहुत ही खुशी की बात है कि अपना बहुमूल्य कीमत देकर डॉक्टर साहब लोग यहाँ आए हुए हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ, हार्दिक बधाई भी करता हूँ और मैं शुभकामना देता हूँ डॉक्टर साहब लोगों की अपना बहुमूल्य कीमत निकाली और हमारे गांव में आके जितने भी मरीज है सबके मुफ्त में इलाज कर रहे हैं। फिर जांच कैंप लगा हुआ है।